हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी देख सकते हो मैं जा रही हूँ कॉलेज। आज मेरा वाइवा है। सो हम लोग का तो हो गया है सारा तैयारी, मेरे तरफ से तो रेडी हूँ और देखती हूँ कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे। और अभी मैं अपने दोस्त को कॉल की, वो भी पहुँच रही है। टाइमिंग हम लोग का 10 बजे तक है सबको पहुँचना, और अभी 9:30 बज रहा है तो मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगी। और 10:30 बजे से होगा एग्ज़ाम, 10 बजे तक सबको पहुँच जाना है। सो अभी चलती हूँ और देख सकते हो अभी मैं रास्ते पर हूँ। आज बारिश नहीं हो रहा है, थैंक गॉड, वरना भीगते भीगते जाना पड़ता। सो वाइवा के बाद फिर छुट्टी हो जाएगा, उसके बाद घर चली जाऊँगी आराम से। बस यहाँ पर मन नहीं लगता आजकल। स्टार्टिंग में तो हाँ रांची में जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन अब बोर लगता है, अब तो मन करता है कि घर कब जाए। सो अब जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए। एग्ज़ाम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, बस वाइवा और प्रैक्टिकल बाकी है जो कि आज हो जाएगा। तो आज कम्प्लीट हो जाएगा, उसके बाद घर चली जाऊँगी और रक्षाबंधन का भी छुट्टी हो जाएगा। सो अब इस रास्ता को पार करके मुझे जाना पड़ेगा। देख सकते हो कितना कीचड़ है, बीच में पानी है, किनारे किनारे से मुझे जाना पड़ रहा है। फाइनली पार हो गए, देख सकते हो। फिर और एक इसको भी पार करना पड़ेगा। अभी इसको किधर से पार करें, कुछ थोड़ा बस बस के चलना पड़ रहा है। पार कर दिया फाइनली, और ये रहा रोड, थोड़ा सा और पार करना है। फाइनली पार हो गए, और अब रहा ये क्लीन रास्ता, इधर से मुझे जाना है, उधर से मैं आई। सो गाइज, आज बताती हूँ नाश्ता में मैं क्या खाई। आज नाश्ता में कुछ नहीं खाए हैं, जा करके अभी बाहर से ही कुछ खा लेंगे। कॉलेज के पास जो ठेला लगता है वहाँ पर कुछ खा लेंगे, क्योंकि मैं रात में, वैसे अगर रात में मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी ज़्यादा बना लेती हूँ, उसी को मैं सुबह भी नाश्ता के तौर पर खा लेती हूँ तेल से सेक करके। लेकिन कल गिन करके रात में 4 रोटी बनाए थे और 4 को पूरा खा लिए, तो अभी कुछ बचा नहीं है। तो फिर सुबह कुछ नहीं खाए हैं, तो अभी बाहर से कुछ खा लेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। चुके हैं, देख सकते हैं ये है कॉलेज मेरा। और मेरे दोस्त लोग आए कि नहीं देखते हैं, उसका वेट करते हैं। फ़ोन किया तो बोले कि आ रहे हैं, तो आज भी मैं ही फर्स्ट आ गई हूँ हमेशा की तरह, और देखते हैं क्या होता है वाइवा में हमारा। आज कॉलेज थोड़ा सोना सोना लग रहा है, जितने हम लोग का एग्ज़ाम है वही लोग है सिर्फ। और देख सकते हैं मौसम भी अच्छा है अभी। सो गाइज, अभी इधर बाहर ही बैठ के वेट करते हैं उन का, उसके बाद जाएंगे क्लास। सो आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा कैंपस है हमारा, और मैं अभी यहीं पर बैठ जाऊंगी अपने दोस्त का वेट करती हूँ। सो गाइस, देख सकते हो ये है मेरा कॉलेज, वहाँ से लेकर के यहाँ तक और आगे भी है। और ये रहा कैंपस हमारा, जो कि फ़िलहाल खाली खाली लग रहा है। और पीछे हमारा हॉस्टल है कॉलेज का, जो कि मैं उसमें नहीं रहती हूँ। ये रहा मेन गेट, आप लोग देख सकते हैं, और यह है पेड़, इतने सारे पेड़ लगे हुए हैं। गाइस देख सकते हो हमारे कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर, कॉलेज के अंदर हमारा भैंस भी घूमता है, आप लोग देख सकते हो। ये जा रहा है बाहर इधर की ओर, और हमारा जो कॉलेज है वो है 2nd फ्लोर तक, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड, और मेरा जो क्लास होता है वो है 2nd फ्लोर पर। सो गाइज, फिलहाल मेरी दोस्त को अभी मैं कॉल की थी, और उसका आने में बहुत लेट है अभी, मतलब 15-20 मिनट है लेट। तो मैं आपको अपना कैंपस दिखा देती हूँ। आप लोग पीछे देख सकते हो, इधर जो दिख रहा है बाउंड्री वो है हॉस्टल, और इधर ग्राउंड है, और पीछे साइड ये सारा कॉलेज है जहाँ हमारा क्लासेस होते हैं, और मेरा होता है 3rd फ्लोर पर, आप लोग देख। और अभी फ़िलहाल तो खाली खाली लग रहा है, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम है बस वही लोग हम लोग आए हैं, बाकी लोग तो नहीं आए हैं। वरना सिर्फ वरना बहुत भीड़ रहता है हमारे कॉलेज में। और ये रहा हॉस्टल, आगे ग्राउंड है, और इधर भी हॉस्टल है जो कि बहुत पुराना हॉस्टल है, जो कि ये जो पुराना दिख रहा है उधर भी हॉस्टल था बहुत पहले, और इधर नया बना हुआ है। और ये रहा हमारा कॉलेज।
देखते हैं वाइवा हमारा कैसे जाता है। हम लोग गाइस देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। मैम तो हम लोग को सो गाइस अंदर से डर भी लग रहा है कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वाइवा के लिए। हम लोगों को अचानक से मैम बोलती है कि वाइवा होगा और हम लोग जल्दी से आ गए कॉलेज पढ़ना, घर पे ही आराम कर रहे थे। सो गाइस फिलहाल अंदर आ चुके हैं, देख सकते हो मेरी दोस्त लोग भी आ गई है और अंदर से धक धक हो रहा है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ठीक है कर लेंगे, डर के आगे जीत हो जाएगा हमारा। तो हमें चलते हैं ऊपर, सबसे ऊपर टॉप में हम लोग का क्लास होता है। सो क्लास रूम ऊपर में सभी चलते हैं। गाइस उस क्लास में क्लास हो रही है, इधर खाली है और इधर है हमारा क्लासरूम। यहाँ पर भी कोई नजर नहीं आ रहा है, एक दो गर्ल्स आ जाएगी। और देखिए हमारा छत कैसा है, इधर क्लासेस है देख सकते हो, SF6 PBA लाइब्रेरी, SF13 और हमारा SF8 में है। तो अभी चलते हैं, इधर देख सकते हो नोटिस टांगा हुआ है और इधर है जिसका जिसका जो यहाँ पर हमारा लैब होगा, ये रहा मेरा और बाकी सबका इधर है। 2000 years later. So guys, finally हम लोग का वाइवा खत्म हो चुका है और बहुत ही अच्छा से गया, जो याद किए थे वही आया। So एग्जाम खत्म हो चुका हम लोग का और अब हम लोग चले अपने अपने घर को और देखते हैं कुछ खाते हैं, भूख लगा है कुछ खा लेंगे उसके बाद चलेंगे। टेंशन खत्म हम लोग का, अब हम लोग चले कहाँ आराम करेंगे। ये रहा हमारा घंटा, यहाँ पर घंटी बजता है। एग्जाम तो खत्म है, अब हम लोग चले अपने अपने घर को। देख सकते हो इधर है ठेला जो कि हमेशा सिर्फ एक ठेला रहता है और ये हमारा कैंटीन जो कि हमेशा बंद रहता है इधर कोई से। और ये रहा हमारे कॉलेज के अंदर गाड़ी भी चलता है। गाइज एक चीज दिखाना चाहती हूँ, देख सकते हो कुत्ता कितना आराम से वहाँ पर सो रहा है छत के ऊपर पर। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं अपना रूम का गली में, देख सकते हो। और एग्ज़ाम तो ठीक से ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब फाइनली छुट्टी हो गया क्योंकि तो सारा एग्ज़ाम खत्म, अब जाएंगे घर। गैस गैस, गैस।